बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खिचड़ी बना रही हूँ। देखिए, इसमें चावल आधी के जी चावल है, थोड़ी मसूर की दाल है उसके अंदर, अदरक लहसुन हल्दी नमक, ये गरम मसाला है। देखिए, दालचीनी के दो टुकड़े हैं, ये तेज पत्ता दो है, थोड़ा शाहजीरा, चार लौंग, चार तीन इलायची है, देखिए दो डल्ली प्याज है, थोड़ा पुदीना, थोड़ी कोतमीर, एक चार हरी मिर्ची। अब मैं बनाती हूँ, देखिए पूरा वीडियो आप लोग। अब बघा रही हूँ, देखिए मैं खिचड़ी को पूरा मैं चढ़ा दी इसके अंदर। एक खिचड़ी में तेल थोड़ा डालना, देखिए ज़्यादा नहीं डालना। ज़्यादा डालने से क्या होता मालूम, खिचड़ी पूरा एकदम तेल तेल होती, खाने में उतना समझ में नहीं आता। बघारे खाने में खिचड़ी में थोड़ा डालना तेल। ये देखिए मैं कितना डाल रही हूँ तेल आप लोग, एक चम्मच डाल के सिर्फ ज़र्रा डाली उसके अंदर। ये प्याज अपने को लाल हो गए तक बस उसके ये करे तो क्या है, प्याज भी हरा मसाला हो पूरा लाल होता ना उसके अंदर, अदरक लहसुन वो ये तो अच्छा रहता समझिए। प्याज डाली देखिए मैं उसके अंदर, फिर अदरक लहसुन डाली थोड़ा डाल के इसको लाल कर लेना पूरा प्याज को। खिचड़ी का खिचड़ी इतना मस्त रहती है कुछ पूछना नहीं। हल्दी भी थोड़ी डालना, कलर के वास्ते डालना, पर ज़्यादा नहीं डालना हल्दी। थोड़ी हल्दी डाले तो क्या है एकदम अच्छा फिक्का रहता, अपन ज़्यादा भी डाल के खिचड़ी अगर दिखना रहे खिचड़ी के वास्ते तो अच्छा ज़्यादा भी डाल सकते। मैं तो थोड़ी सी डालती हूँ तो अच्छा रहता। देखिए देखिए मैं कैसा भून ली खिचड़ी का पूरा, एक तीन चार हरी मिर्चियाँ डाली देखिए इसके अंदर। हरी मिर्ची चुप ज़र्रा लाल कर लेके, ये प्याज अपन बघारे खाने को कैसा बघार लेते हैं वैसे बघार लेना खिचड़ी का भी। इसमें पुदीना कोतमीर है देखिए पूरा, तो अपन बहुत जने नए डालते पुदीना तो खिचड़ी में डाले तो अच्छा रहता। मैं हरा मसाला ज़रा ज़्यादा डालती हूँ खिचड़ी के अंदर, कहीं को सौंधी अच्छी ये आती समझो। तो तेज पत्ता गरम मसाला है देखिए पूरा, आप लोगों को बताई ना मैं तो, पूरा इसके अंदर डाल के अच्छा मिला लेना इसको पूरा समझो। कम पे रख के मिलाना, तेज पे रख के मिलाए ना तो पूरा जल जाता पूरा उसके अंदर बघार। कम पे रख के मिलाए तो क्या है अपने को अच्छा पूरा भुने जाता। मैं कम पे है देखिए चूल्हा मेरा, चिमटा पकड़ के मैं क्या कर रही हूँ उसको अच्छा हाँ मिला ले रही हूँ। अब होगा देखिए इसके अंदर हूँ तो पूरा इसको लगते रहता ना तो अच्छा मिलाते गए सर, भुने भी जाता पूरा, अदरक लहसुन लाल भुने जाता पूरा उसके अंदर। तो लाल भुने गया तो क्या है सौंधी अच्छी वो आती है उसमें खिचड़ी में। तो आधी के जी मेरे चावल है तो बराबर को बराबर डालना पानी, तो आधी के जी के हिसाब से डाल रही हूँ मैं। आप लोगों भी जितना चावल है ना उतना पानी डालना है बघारा खाने को, खिचड़ी को, ये चीज़ों को समझो, तहारी को। तो ये देखिए मैं अब चावल भी डाल दे रही हूँ, तो बहुत मज़े की रहती है खिचड़ी समझो। अपन इतवार को बना ले सकते हैं, जुम्मे को भी बना ले सकते हैं, तो दो नाश्ते में बहुत अच्छा रहता है इसका। तो मैं खिचड़ी बन गई देखिए, अब एक पाँच मिनट में निकाल दे रही हूँ, एक दो मिनट में इसमें ये करके, तो बहुत अच्छा रहता है ये समझो। तो मैं खट्टा भी बनाई देखिए, मेरे चैनल के ऊपर है जाके देखिए आप लोग, खिचड़ी खट्टा खीमा टमाटरों की चटनी भी खा सकते हैं इसके साथ, बहुत मज़े का रहता है ये। तो अब इंशाल्लाह आप लोगों को मैं तहारी भी बना के बताऊंगी मेरे इस पे अगला वीडियो में, तहारी ये करूंगी। बन गई देखिए मेरी खिचड़ी, बहुत मज़े की रहती है नाश्ते में खाए तो अपन लोगों को। ये देखिए कितनी खुली खुली हो गई, बासमती चावल की भी बना सकते हैं तो ये सादे चावल अच्छा खाया जाता है। देखिए बासमती चावल आप सुबह में नाश्ते में उतना अपने को समझ में भी नहीं आता ना, ये देखिए कितना खुला होगा कैसा, मैं निकाल के भी आप लोगों को बता रहे तो भी पूरा चावल को चावल नहीं लग रहा, देखिए पूरा अलग 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 हो रहा पूरा। तो देखिए फराना कुकिंग चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए आप लोगों भी।